तो इंडिया इट मिली टीम आ गई सूरत और आज हम यहाँ पे ट्राई करेंगे सूरत का फेमस चारकोल सैंडविच। तो आज हम आ गए बुलेट वाले भैया के पास। तो चले भैया, तो ये देखिए ये आ गया कोयला यहाँ पे और यहाँ पे लगेगा हमारा चारकोल सैंडविच। तो आज हम आ गए चारकोल बुलेट सैंडविच पे और आज हम अपने लिए सैंडविच लगाएंगे। भैया कौन कौन सैंडविच लगा रहे हो? दो चीज़ गार्लिक फायर और दो पेरी पेरी चीज़ पनीर ओपन फायर। ठीक है, तो ये देखिए ये लग गया बटर। तो भैया क्या क्या वैरायटी मिलती है यहाँ पे? इतना चीज़ गार्लिक फायर, पेरी पेरी ओपन फायर, पिज्ज़ा पनीर फायर, तंदूरी पनीर फायर, सब ओपन सैंडविच ज़्यादा चलता है मेरे इधर। चीज़ चिली टोस्ट है, बॉम्बे चीज़ टोस्ट है, वेज चीज़ टोस्ट है, वेज और वेज चीज़ सैंडविच है, नटेला चॉकलेट सैंडविच है और आलू चाट है। ये देखिए ये लगी हरी चटनी। तो धनिया पुदीनी की रहती है ये? लहसुन धनिया अदरक पुदीना सब रहता है, पर क्या है यहाँ जैन लोग ज़्यादा है ना। अच्छा, तो चलते हैं ना, मैं लहसुन और सब नहीं डालता हूँ, लहसुन नहीं रहता, प्योर जैन रहता है। और ये क्या लगा रहे हो? ये पेरी पेरी पेस्ट। पेरी पेरी पेस्ट, ये देखिए ये आ गया पेरी पेरी पेस्ट यहाँ पे। तो दोस्तों कितना कलरफुल लग रहा है और कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। ये देखिए हमारे चार सैंडविच यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। शिमला मिर्च, ये आ गई शिमला मिर्च, और ये कांदा है, प्याज, हरा धनिया और हरा लहसुन रहता है। अच्छा, हरा लहसुन और हरा धनिया रहता है दोनों में। ये सैंडविच मसाला है, सैंडविच मसाला डल गया यहाँ पे। ये देखिए ये सारी चीज़ें सब मिक्स कर दी है यहाँ पे। ये देखिए और अभी इसका स्टफिंग बना लेते हैं पेरी पेरी का। बनेंगे शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और ये देखिए ये आ गया पनीर यहाँ पे और ये आ गया सैंडविच मसाला। मसाला सही, ये देखिए मसाले कर दिए अच्छे से मिक्स। ये देखिए स्टाइल देखिए भैया का यहाँ पे, जितने स्टाइल से बुलेट चलाते हैं उतने स्टाइल से यहाँ पे सैंडविच लगाते हैं। ये देखिए भी जाएगा पकने, इसके बाद क्या करेंगे? इसको भी जाएगा कोल पे पकने। कोल पे पकेगा? अरे वाह। तो ये देखिए कोल पे अब पकाया जाएगा इसको। ये लगा दिए बटर और अब ये जाएगा कोल पे। तो ये देखिए ये हमारा सैंडविच अब लगने जा रहा है चारकोल पे। तो आपने बहुत ज़्यादा सैंडविच खाए होंगे बट ऐसा मेकिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाली। चारकोल पे लगाते हैं, चारकोल पे सेकते हैं यहाँ पे सैंडविच को। तो इससे भाई टेस्ट अलग ही आता है। हाँ, हल्का स्मोकी फ्लेवर रहता है और फ्लेवर रहता है, सही तरीके से पकता भी है कि पूरा पकता है। हल्का पकता है तो अंदर स्टफिंग भी पक जाता है सर। तो सैंडविच तो आपने बहुत ज़्यादा खाया होगा बट भैया का यहाँ पे जो स्टाइल है लगाने का एकदम चारकोल पे इसको सेकते हैं बढ़िया तरीके से और जो टेस्ट आता है स्मोकी फ्लेवर बहुत ही अलग होता है। हमारे चार सैंडविच यहाँ पे देख सकते हो चारकोल पे लग रहे हैं एकदम बढ़िया से बटर मार के यहाँ पे देख सकते हो सैंडविच लगाया जा रहा है। तो भैया प्राइस क्या रहता है इनका? गार्लिक चीज़ फायर का है 110 और पेरी पेरी का है 130। ठीक है, तो ये देखिए भाई ये लग गया यहाँ पे हमारे सैंडविच। तो कितना टाइम लगता है इसको बनने में? तो टाइम लगेगा 5-7 मिनट लगेगा। 5-7 मिनट लगेंगे इसको। तो देख सकते हो सूरत में हमारा रेडी हो रहा है बुलेट पे चारकोल सैंडविच। तो ऐसा सैंडविच आपको पूरे सूरत या पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलने वाला। तो भैया ने बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट निकाला है और देख सकते हो चारकोल पे यहाँ पे सैंडविच लगाया जाता है। तो देख सकते हो गर्मा गर्म हमारे सैंडविच यहाँ पे लग चुके हैं। तो ये देखिए सैंडविच यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो भैया चारों पक चुके हैं ये? हाँ सर, चारों पक। तो ये देखिए कोल में कितने बढ़िया तरीके से हमारे सैंडविच यहाँ पे पक चुके हैं और एकदम गोल्डन कलर आ चुका है ये देखिए। तो ये आ गए भाई चारकोल सैंडविच, सूरत के फेमस चारकोल सैंडविच। ये देखिए भाई ये हमारे सैंडविच आ चुके हैं, अब इसकी कटिंग कर ली जाएगी। ये देखिए अब ये कटिंग स्टार्ट होगी। तो कितने पीस करते हैं इसके? चार के होते हैं, आठ पीस। इसको ओपन कर देंगे इसके 8 हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए भाई ये हो गई कटिंग चालू। तो दोस्तों कितने बढ़िया लग रहे देखने में, एकदम गर्मा गर्म यहाँ पे रेडी हो चुके हैं चारकोल पे ये। ये देखिए भाई स्टाइल देखिए भैया का। ये देखिए ये हो गया हमारा सैंडविच ओपन यहाँ पे, पेरी पेरी सैंडविच यहाँ पे ओपन हो चुका है। स्टफिंग देखिए कितने ज़्यादा, इसमें पनीर डाला है, वेजिस डाली है, सॉसेज डाले हैं। ये अपना हो गया गार्लिक चीज़ फायर। ठीक है, ये हमारा गार्लिक चीज़ फायर यहाँ पे लग रहा है। तो जितनी क्रिएटिव भैया की बुलेट है उतना क्रिएटिव इनका सैंडविच लगाने का तरीका। ये देखिए भाई ये आ गया चीज़ यहाँ पे, एकदम फुल भर के यहाँ पे चीज़ डाले जा रहा है। चीज़ की देख सकते हो भैया ने यहाँ पे बारिश कर दी है। तो देख सकते हो एक साथ चार सैंडविच यहाँ पे रेडी हो रहे हैं एकदम बढ़िया से चीज़ मार के। ये देखिए तो अगर आपको भी टेस्ट करना है ये सूरत में आके हैप्पी चारकोल बुलेट सैंडविच, यहाँ पे आके आप इस सैंडविच को टेस्ट कर सकते हो। ये देखिए भाई ये आ गई फायर चारकोल सैंडविच हमारा यहाँ पे रेडी हो रहा है। ये देखिए फायर एकदम बढ़िया तरीके से मारी जा रही है यहाँ पे और चीज़ को एकदम मेल्ट किया जा रहा है। ये देखिए तो हमारा सूरत का फेमस यहाँ पे चारकोल सैंडविच यहाँ पे रेडी हो रहा है। ये देखिए तो ये नज़ारे आपको कहीं नहीं मिलने वाले पूरे इंडिया में, आपको सूरत आना पड़ेगा। ये देखिए भाई ये गर्मा गर्म हमारे चारकोल सैंडविच यहाँ पे लग के रेडी हो चुके हैं। तो हमारा सैंडविच यहाँ पे लग के रेडी हो चुका है, तो अब इसको जल्दी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसे टेस्ट। तो बुलेट सैंडविच वाले भैया से बात कर लेते हैं। भैया अपना नाम बता दीजिए। हितेश पटेल। भैया कितना टाइम हो गया इसको बुलेट? यहाँ बुलेट को हुआ 1.5 साल हुआ। 1.5 साल हो गया।
तो कैसा रिस्पांस है? एक नंबर एक नंबर। तो आपको इतना इनोवेटिव तरीका आया कैसे कि मतलब बुलेट पे आपको ये सेटअप लगाने जैसे? एक्चुअली मैं सिंगल आइटम के लिए कोई फूड कार्ट ढूंढ रहा था बराबर, तो ये यूट्यूब से ही मुझे आइडिया आया। उसमें ये वो आउट कंट्री के और हैदराबाद के बाहर के वीडियो थे, तो उसी हिसाब से मैंने अपना वेज का डिज़ाइन बनवा लिया और फिर चालू कर दिया बनाना और बन गया। अच्छा है फिर लोगों का रिस्पॉन्स एक नंबर है। तो मेरे दोनों सैंडविच यहाँ पे लग चुके हैं, पेरी पेरी चीज़ पनीर फायर और चीज़ गार्लिक फायर। तो देख सकते हो कितने बढ़िया लग रहे देखने में, और चलिए इसको जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हो इसमें इन्होंने कितने सारे इसमें वेजिटेबल्स डाले हैं, पनीर डाला है, चीज़ डाला है और काफ़ी इसमें सॉसेस लगाए हुए हैं। तो इसको मैं ट्राई करूँगा इनकी ग्रीन चटनी साथ। तो वाकई में इनका सैंडविच बहुत ही टेस्टी है, पेरी पेरी चीज़ पनीर फायर। इसमें जो इन्होंने पनीर डाला है, वेजिटेबल्स डाली है, चीज़ डाला है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। साथ ही साथ जो इन्होंने चारकोल पे इसको गर्म किया है, बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। तो अगर आप भी सूरत रहते हो, विजिट कर रहे हो, तो इनका ये वाला सैंडविच ज़रूर टेस्ट कीजिए। तो बात कर लीजिए इसके प्राइस की, इसका प्राइस है 130 रुपीज़। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करने जा रहा हूँ इनका चीज़ गार्लिक फायर सैंडविच। तो वाकई में इनके सैंडविच खा के मज़ा ही आ गया। जो इनकी ग्रीन चटनी है मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी, साथ में जो चीज़ डाली है एकदम बढ़िया मज़ा आ रहा है। तो अगर आपने भी सूरत में बेस्ट सैंडविच खाना है तो बुलेट वाले भैया का सके यहाँ पे सैंडविच इनके टेस्ट कर सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त है। टाइमिंग क्या रहती है आपकी यहाँ पे? अपने शॉप पे टाइम अपना 11 to 11 है। 11 to 11। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हो? डेली, कोई छुट्टी नहीं? छुट्टी नहीं। तो यहाँ का एड्रेस बता दीजिए। हैप्पी चारकोल बुलेट सैंडविच, G51 एम्ब्रोजिया बिजनेस हब, VIP रोड वेसू, नियर टाइम्स कॉर्नर। तो अगर आप भी सूरत रहते हो, विजिट कर रहे हो, तो भैया के ऐसा इनका सैंडविच जरूर टेस्ट कीजिए, बहुत ही बढ़िया है। तो मैं यहाँ पे इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।